जैन दोस्तों बात करने वाले हैं बिहार पुलिस के एग्जाम के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं बिहार पुलिस का जो एग्जाम था एक दिन का कंप्लीट हो चुका था, यानी 12 जनवरी को जो एग्जाम था उसे पूरा करवा लिया गया है, लेकिन 20 तारीख को 20 जनवरी को जो एग्जाम होने वाला था उसे किन्हीं कारणों से रद्द कर दिया गया, यानी उसकी जो डेट है वो उसे पोस्टपोन कर दी गई है। अब ऐसे में सभी अभ्यर्थी जानना चाहते हैं कि जो नेक्स्ट टाइम यानी जब भी एग्जाम करवाया जाएगा 20 तारीख का कब तक एग्जाम करवाने की उम्मीद है या किस दिन करवाया जा सकता है, तो इसी के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। सो प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक कर दें और शेयर कर दें, अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए ताकि आगे भी आपको ऐसी रेगुलर अपडेट मिलती रहे। तो यहाँ पे मैं आप सभी को बता देता हूँ कि बिहार पुलिस का जो एग्जाम है कुछ लोग बोल रहे हैं कि 12 तारीख को जो एग्जाम हुआ था क्या वो एग्जाम भी रद्द होने वाला है। तो देखिए मैं आप सभी को बता दूं, ना तो कोई ऐसी आधिकारिक सूचना है, ऐसी मतलब कोई भी अभी जानकारी कहीं से भी नहीं है कि 12 तारीख का एग्जाम रद्द हो सकता है, और 99.9% तो आपका एग्जाम बिल्कुल रद्द नहीं होगा। अगर 0.1% अगर किसी भी रीजन से आपका एग्जाम रद्द होता है तो अभी उसकी भी कोई भी जानकारी नहीं है, तो आप ये मान सकते हैं कि 12 तारीख को हुआ एग्जाम रद्द आपका नहीं होगा। अब बात करते हैं कि जो 20 तारीख को एग्जाम होने वाला था जिसकी डेट पोस्टपोन कर दी गई है, अब उस एग्जाम को कब कंडक्ट करवाया जाएगा। तो अब तक मिली जानकारी के अनुसार मैं आप सभी को बता दूं कि उम्मीद है कि आपका जो एग्जाम है 8 मार्च को कंडक्ट करवाया जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, मैं आप सभी को बता दूं, और बहुत जल्दी उम्मीद है कि इसे आधिकारिक वेबसाइट पे भी अपलोड कर दिया जाएगा और आप सभी को जानकारी दे दी जाएगी, जिससे कि आप अपने एडमिट कार्ड जहाँ पे भी आपका सेंटर जाएगा यानी प्रवेश पत्र उन्हें डाउनलोड कर पाएंगे, और बहुत जल्दी इसे आधिकारिक सूचना के तौर पे आप सभी को बता दिया जाएगा। जैसे ही आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट होंगे या कोई भी आधिकारिक सूचना आएगी हम तुरंत आप सभी को अपडेट कर देंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी आगे इन फ्यूचर अपडेट आए तो आप सभी तक पहुंच जाए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।